श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय की, जो है बाधक ग्रह। ये कौन होते हैं और हर लग्नों के लिए बाधक ग्रह कौन सा होता है और कौन सा घर जो होता है वो बाधक होता है, जो हमारी जो है एक तरीके की ब्लॉकेज कर देता है हमारे पूरे सिस्टम के, हमारे पूरी जीवन में, ये हम लोग देखेंगे। और उसका निवारण क्या है ये भी देखेंगे, और उसकी वजह भी क्या है और वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करते रहें जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी तरीके की आपको कोई कंसल्टेशन लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, समस्या हो, आपको नहीं पता है आपके जन्म पत्रिका में ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा बाधक ग्रह है, वो आपके ऊपर कितना असर डाल रहा है आपके जीवन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं पर्सनल। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा नीचे दिए रहते हैं, ईमेल के द्वारा भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, कोर्स के लिए फी के लिए आप मुझे इन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं बाधक ग्रहों की। ये क्योंकि सब कुछ सही चल रहा होता है जीवन में, कभी दशाएं अच्छी चल रही होती, चीज़ें अच्छी चल रही होती, लेकिन हम लोगों को नहीं पता चल पाता कि एकदम से क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं या कितनी बड़ी वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या उनका कारण भी क्या है हमारे जीवन में। तो शायद उसको दूर करके जो है उन चीज़ों को देख के हम लोग सेटल कर सकते हैं, थोड़ा अपने जीवन में जैसे कहते हैं ना शांति और आराम ला सकते हैं। बहुत जो ब्लॉकेज होती है, जो बंधन होता है, ये जो बाधकता है उसको थोड़ी रूप से दूर कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, सारे जो राशियां होती हैं वो तीन भागों में बांटी जाती हैं। चर राशियां मानी जाती हैं, स्थिर राशियां मानी जाती हैं और द्विस्वभाव राशियां मानी जाती हैं। देखिए, चर राशि में या चर लग्नों में जिनका जन्म हुआ है, जैसे किसी का जन्म हुआ है मेष लग्न में, जैसे किसी का जन्म हुआ है आपका कर्क लग्न में, जैसे किसी का जन्म हुआ है आपका तुला लग्न में, जैसे आपका जन्म हुआ है मकर लग्न में, तो ये देखिए हो गई चर राशियां। इसको कहते हैं मूवेबल साइंस। अब इन साइंस का जो बाधक घर होता है, बाधक ग्रह होता है, वो होता है ग्यारहवां घर, और ग्यारहवें स्थान का स्वामी जो होता है वो बाधक ग्रह कहलाता है। स्थिर राशियां जो होती हैं कौन सी होती हैं, स्थिर लग्न कौन से होते हैं? दोस्तों, स्थिर लग्न या स्थिर राशियां होती हैं, वृषभ राशि जो है स्थिर होती है, सिंह राशि जो है वो स्थिर होती है, वृश्चिक राशि जो है वो स्थिर होती है, और कुंभ राशि जो है वो स्थिर होती है। तो ये स्थिर राशियों में जो है नौवें घर का स्वामी बाधक ग्रह बनता है, और नौवां स्थान जो है हमारा बाधक स्थान बनता है। द्विस्वभाव राशियां या द्विस्वभाव लग्न कौन से होते हैं? मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां और लग्न कहलाते हैं। इनमें बाधक ग्रह बनता है सातवें स्थान का स्वामी, और वो सातवां स्थान बाधक ग्रह, बाधक स्थान माना जाता है। देखिए, ये हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स कहाँ से तक ला सकते हैं, क्या ब्लॉक कर सकते हैं? देखिए, कई चीज़ों का ये मैटर है। इसमें हमेशा जो है पैसे का संबंध नहीं आ जाता है, ये सिर्फ हमारे जो है पैसों की चीज़ें ब्लॉक कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कई प्रकार के, कई रूपों में ये जो है हमको ब्लॉक कर सकते हैं। कई बार हमारी खुशियों को, कई बार हमारे रिलेशनशिप्स को, कई बार हमारे जो है हेल्थ को ब्लॉक कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को, मदर फादर के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, पिता के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हमारे अपने रिलेशन्स में, लाइफ पार्टनर के साथ, तो काफ़ी कुछ जो ये हैं हमारे जीवन में एक तरीके से आप कहिए कि ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इनके अंदर इतनी ताकत होती है, ये जो बाधक ग्रह होते हैं हर जो है लगन के लिए। हम लोग बात करते हैं जो चर राशि होती हैं। अब देखिए, चर राशियों में जो मैंने आपको बताया था कि मेष, कर्क,
और आपकी तुला और आपकी जो मकर राशियां हैं या जो लगन है, इनमें 11वें स्थान का स्वामी जो है हमारी सबके पत्रिका में, वो बाधक ग्रह होता है, बाधक घर होते हैं ये। तो ये समझ लीजिए कई 11वां घर हमारा जो है डिनोट करता है कई प्रकार के प्रॉफिट्स को, इनकम को, मित्रता को, बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ आपस में तालमेल को, बड़े भाई को, इन चीज़ों को वो देखिए डिनोट करता है और हजारों चीज़ों को करता है, विजडम को, हमारे समझदारी को, कोई रोग ऋण को दूर करने का भी ये घर है, कोई पोजीशन का, कोई पदवी का, ये उन सब का भी घर देखिए होता है। तो अगर ये बाधक ग्रह हमारी पत्रिका में जब इनकी दशा आती है तब देखिए ये पूरे फुल फ्लेज रूप में काम करने लग जाते हैं। जहाँ ये बैठे होते हैं ग्रह, वहाँ उस घर के लिए भी ब्लॉकेज साबित होते हैं ये लोग। जब यहाँ कहीं पे भी आपकी पत्रिका में ये बैठे होंगे, उस घर के संबंध में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ये अवश्य लेके आते हैं। वो ग्रह के हिसाब से भी देखा जाता है, वो जो है आपके स्थान के हिसाब से भी देखा जाता है कि किस प्रकार की ब्लॉकेज वो ला सकते हैं। अब जैसे हम लोग मेष चर लगन की बात कर रहे हैं, तो मेष लगन की अगर हम लोग बात करें तो उसका स्थान का स्वामी, 11वें स्थान का स्वामी बना शनि। अब शनि मान लीजिए किसी की पत्री में, मेष लगन की ही पत्री में, चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। अब वो चौथे स्थान पे बैठ के हो सकता है हमारी माताजी के साथ संबंध हमारे अच्छे ना रखे, हमारी एजुकेशन में कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, हो सकता है हमारी खुशियों के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, या हो सकता है हमारे घर के ऊपर कोई विपदा आती रहे या उनकी परेशानियां हम लोग झेलते रहें, या हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत पॉजिटिव ना रखे, हमेशा एक पेसिमिस्ट विचार रखे, कोई नकारात्मक सोच आती रहे, भय बने रहे हमको किसी तरीके के, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो खुशियां हमारी एक तरीके से ग्रहण लगा सकता है। तो देखिए बाधक ग्रह कहीं पे भी बैठा होगा तो वो इस तरीके से काम करेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और उसी तरीके से हम लोग बात करें स्थिर राशियों में भी, तो देखिए जो स्थिर राशियां भी मैंने आपको बताई हैं, तो 9वें स्थान का स्वामी वहां पे बाधक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे वृश्चिक लगन ले लीजिए, स्थिर जो होता है, अब उसके 9वें स्थान का स्वामी चंद्रमा है, अब वहां से भी देखिए वो बाधकता शो कर सकता है, जबकि वो भाग्य का स्थान है। तो हो सकता है कि आपके पिताजी के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे ना हो, गुरु ब्राह्मणों किसी टीचर कोई हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपको चीज़ें समझने में हो सकता है मुश्किल आए, आपके भाग्य को रोके किसी प्रकार से। तो कई प्रकार की देखिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके वो भाग्य स्थान का स्वामी है तो वो आपके भाग्य को ही ब्लॉक करेगा, किसी भी चीज़ को वो जो है आप एक ये समझ लीजिए फोकस कर सकता है, टारगेट कर सकता है, जहाँ बैठा हुआ है उस घर में भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है अपने घर के हिसाब से। हो सकता है 9वें स्थान का स्वामी, जैसे वृश्चिक लगन की ही बात करें, और वो चौथे घर में जाके बैठ गया अगर, तो हो सकता है माताजी के संबंध में आपको बहुत सुंदर जो है जीवन में सुख उनका ना प्राप्त हो, उनके साथ मतभेद हो, या वो बीमार रहें किसी भी प्रकार का। तो हो सकता है कुछ इस तरीके की चीज़ें हों, या इमोशनली आप अपनी माताजी के साथ कनेक्ट ना कर पाए, या उनकी वजह से बहुत दुखी रहते हों, या उनको कोई अपने जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली हो लाइफ में। तो देखिए बाधक ग्रह इस प्रकार से बाधा क्रिएट करते हैं। दूसरी बात सबसे एक और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो बाधक घर होता है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको द्विस्वभाव के लिए भी बता दूं कि देखिए अब जो द्विस्वभाव लगन होते हैं, जैसे मिथुन कन्या धनु या मीन जो लगन होते हैं, ये राशियां होती हैं, अब इनकी जो है 7वें स्थान का स्वामी जो है वो बाधक होता है। 7वां स्थान देखिए कई प्रकार के रिलेशनशिप्स जो हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लोगों से मिलना, किसी प्रकार की भी एनिमिटी, डिसीजेज, क्योंकि ये फैटल घर कहा जाता है, वैसे ही मारक घर कहा जाता है, तो इसका स्वामी जो है वैसे ही बहुत शुभता में नहीं रखा जाता है। तो कई प्रकार की हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है 7वें स्थान का स्वामी आपकी पत्री में, जैसे उदाहरण के तौर पे मिथुन लगन की बात ही ले लें, ये 7वें स्थान का स्वामी जो है
चौथे स्थान में आपके बैठे हुए हैं बृहस्पति महाराज, तो किसी भी प्रकार की हो सकता है यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, माता जी के साथ उनको कोई बड़ी बीमारी दे दे, कोई कष्ट दे दे, इस तरीके की चीज़ें वो दे सकते हैं, सेपरेशन दे दें किसी भी तरीके की, क्योंकि उनके अंदर सातवें स्थान के गुण हैं, वो बाधक है, तो वो वहाँ पे बैठेगा जहाँ पे भी, तो उस तरीके की बाधा उत्पन्न करेगा, डिसीज उत्पन्न करेगा, उन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिल्कुल हो सकता है सिरे से ही उखाड़ दे आपको कभी जीवन में, इस तरीके की भी चीज़ें करता है। अब ये बाधक ग्रह किसके साथ में बैठे हुए हैं, ये एक और बात आ जाती है आगे। अब जैसे बाधक ग्रह किसी की भी पत्री में है, जैसे उदाहरण के तौर पे मेष लग्न की ही हम लोग लेते हैं, अब वहाँ पे 11वें स्थान का स्वामी बाधक है शनि। अब शनि महाराज अगर छठे आठवें के साथ बैठे हुए हैं ग्रहों के साथ, तो और एकदम से उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। कहीं हो सकता है वो आप मान लीजिए राहु केतु के साथ बैठे हैं और परेशानी का कारण बन जाएंगे। तो बाधक ग्रह अगर किसी भी और मुश्किल प्लैनेट्स के साथ आपकी पत्री के बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पे स्थिर लगन के लिए अगर हम लोग बात करें फिर वृश्चिक लगन की, तो अगर चंद्रमा के साथ राहु और केतु बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आपके जीवन में, बाधकता और बढ़ जाएगी, ब्लॉकेज और बढ़ जाएगी जहाँ पे भी वो लोग बैठेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और नियम है देखिए इस चीज़ का, बाधक घरों का, बाधक जो घर होते हैं दोस्तों उसके पहले, उनके जो पहला घर होता है उससे पहले का, वहाँ पे जो ग्रह बैठा होता है या उसके पहले घर में जो है जिस ग्रह की भी राशि होती है, चाहे हो सकता है वो घर खाली हो, वो आपको बताता है कि आपके जो पुराने जन्म के कर्म हैं वो किस हिसाब से खराब थे, जिसकी वजह से आपको ये जन्म में ये बाधक प्लैनेट आपके जीवन में आया है। उदाहरण के तौर पे अगर आप ले लें तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मेष लगन की, अब मेष लगन में 11वां स्थान हो गया बाधक का, अब इसमें मेष लगन में जो है 10वें स्थान के स्वामी भी शनि बनते हैं और 11वें स्थान के स्वामी भी शनि बनते हैं। अब मान लिया कि अगर 10वें स्थान पे सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि पिछले जन्म में आपने किसी अथॉरिटी, बॉस, पिता, इनके साथ बहुत भारी प्रॉब्लम अपने जीवन में क्रिएट करी है। अब आपको उसका जो है इस जन्म में आपको उसका जो है देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, किस हिसाब से आप उनके साथ डील करें, क्योंकि वो चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। उसी तरीके से अगर चंद्रमा बैठा हो बाधक स्थान से पहले, 11वें स्थान से पहले, मेष लगन का ही उदाहरण ले रहे हैं, अब वो बैठा हो तो कहीं ना कहीं आपका हो सकता है किसी का आपने सुख में हानि करी हो, किसी का घर में आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी हो, माता जी से प्रॉब्लम क्रिएट करी हो किसी भी तरीके की, तो आपको इसलिए उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो सकता है। इसी तरीके से अगर राहु केतु देखिए बैठे हों किसी के बाधक स्थान से पहले वाले घर में, तो देखिए ऐसे समय में किसी प्रकार का श्राप होता है जो आप लोगों को लगा होता है, किसी भी तरीके का श्राप वो देखिए हो सकता है, क्योंकि राहु जिस नक्षत्र में बैठा होगा वो बताएगा आपको कि आप कौन सा श्राप झेल रहे हैं पहले के जन्म का। केतु भी आपको आपके पुराने पास्ट में किए गए किसी भारी कर्म को या पेंडिंग कर्मा को दिखाएगा, कुछ जो शायद आपके रुके हुए कर्मा हैं, इसीलिए आपकी ये चीज़ इस जीवन में बाधक बन के आई है। तो आपको वहाँ से पता चलता है कि हमारे बाधक ग्रह जो हैं हमको किस प्रकार से ट्रबल दे रहे हैं, परेशानियाँ दे रहे हैं। दूसरा, उनके जो पहले घर होते हैं जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया है, वो आपको बताएगा कि आपके जन्म में, जो पिछले जन्म में जो है आपने कौन से ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आप लोगों को ये कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। उसी तरीके से देखिए वृश्चिक लगन में भी, जो स्थिर लगन है उदाहरण ले लीजिए वृश्चिक लगन का, अब वहाँ पर 9वें स्थान का स्वामी जो है और 9वां घर जो है बाधक बनता है। अब अगर 8वें घर में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, जैसे बृहस्पति बैठा हो,
तो आप मान के चलिए कि आपने पिछले जन्म में हो सकता है विद्या, गुरु, धर्म, ज्ञान इन सब का जो है बड़ा अपमान किया है, इसलिए आपको काफ़ी झंझट कर कष्ट परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं हर प्रकार की। यहाँ पे ही अगर राहु बैठा हुआ है आठवें स्थान पे, तो आप मान के चलिए आपने कोई बहुत भारी जो है कोई पाप कर्म किया है, जिसकी वजह से आठवें स्थान पे राहु बैठा हुआ है बाधक स्थान से पहले, ये मैं स्थिर लग्न की बात कर रहा हूँ, और उसकी वजह से आपको बहुत कष्ट प्राप्त हो रहे हैं जीवन में, उसका जो है समाधान करना अति आवश्यक हो जाता है दोस्तों। द्विस्वभाव लग्न में भी यही बात आती है। सातवां स्थान जैसे द्विस्वभाव लग्न में जो है बाधक स्थान कहलाता है, और छठे स्थान में जो भी ग्रह बैठा होगा वो बताएगा कि आपने पिछले जन्म में जो है कौन से इस तरीके के कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको कष्ट या परेशानी हो सकता है। शनि बैठे हों तो आपने जो है अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से ना निभाई हो, लोअर क्लास हैं लोग, कोई सेवक हों उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया हो, ये चीज़ें देखिए वो बताता है। शुक्र बैठा हो तो हो सकता है स्त्रियों के साथ आपके व्यवहार अच्छे ना हो, आपने किसी का धन प्रेम ये सब जो है ठुकराया हो या उनका फ़ायदा उठाया हो, ये देखिए आपको दिखाता है। इस प्रकार से भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, आदमी नहीं समझ पाता है जनरली फिर कि ये दशा हमारी तो जो है सुंदर प्लैनेट की है, नौवें स्थान के प्लैनेट की दशा चल रही है। स्थिर राशि की अगर बात करें और हम लोग बात करें अगर चर लगन की या चर राशियों की, तो वो कहेंगे कि भाई वो हमारे ग्यारहवें स्थान के स्वामी की दशा चल रही है, वो तो प्रॉफिट्स की और फायदे की दशा है, तो हमको लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं, उल्टा कई प्रकार की हमको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें देखना भी अति आवश्यक होता है। बाधक ग्रह इस तरीके से आपके जीवन में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी, बाधक ग्रह के साथ अगर छठे आठवें या बारहवें स्थान के स्वामी बैठ जाएं तो स्थिति और गंभीर है। बाधक स्थान का स्वामी आपका छठे आठवें बारहवें स्थान में बैठ जाए तो भी स्थिति और गंभीर बन जाती है। अपनी दशा में, अपनी अंतर दशा में काफ़ी कष्ट या परेशानियां आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं हर तरीके की। और देखिए आपके आत्मा कारक प्लैनेट के साथ अगर बाधक ग्रह बैठ जाता है तो भी आपका पर्पस जो है जीवन में, जिस आप आए हैं जो जीने के लिए, उसमें बहुत अड़चन आती है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि आपका आत्मा कारक ग्रह जो है वो सूर्य है। अब आपकी पत्री में जो चर लगन की ही हम लोग बात कर लेते हैं और आपकी मेष लगन की ही बात कर लेते हैं, तो उसमें जो बाधक ग्रह हो गया वो हो गया शनि। अब शनि सूर्य के साथ अगर बैठ गया, अगर वो सूर्य आपकी पत्री में उदाहरण के तौर पे आत्मा कारक है और बाधक ग्रह का स्वामी जो है, घर का स्वामी जो है वो शनि है, अब वो सूर्य के साथ जब बैठ जाएंगे तो भारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आप अपने काम नहीं पा पाएंगे, पद पोजीशन पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पिताजी के साथ बहुत डिफरेंस होंगे, बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज से आपको निपटने में चुनौतियां आएंगी। सूर्य और शनि की युक्ति वैसे ही ये चीज़ें देती है। अब अगर शनि आपकी पत्रिका में बाधक ग्रह भी है तो आप ये समझ लीजिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बाधक ग्रह जो होते हैं हर पत्री के हिसाब से, मैंने आपको बताया है कि चर लगन के लिए जो है वो ग्यारहवें स्थान का स्वामी बाधक होता है, स्थिर लगन के लिए नौवें स्थान का स्वामी बाधक घर होता है, बाधक ग्रह होता है, और द्विस्वभाव लग्नों के लिए सातवें स्थान का स्वामी जो है वो बाधक ग्रह होता है। और उनके पहले के जो घर होते हैं उसमें जो भी ग्रह बैठा होता है वो हमें बताता है कि हमको कौन से पाप कर्म करके आए हैं या गलत काम हमारे द्वारा हुए हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ये बाधकता, ये हम लोगों को ब्लॉकेज अपने जीवन में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इन बाधक ग्रहों को ठीक कैसे किया जाए, इनको अच्छा कैसे किया जाए, तो ये आपको जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने चार्ट्स देखे हैं, मैंने अपनी ये रिसर्च करी है उसके हिसाब से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ,
हो सकता है, अगर आपको उचित ना जान पड़े तो मुझे अवश्य बताइएगा। कि देखिए जो भी बाधक ग्रह होता है, देखिए चर लगन वालों के लिए जो है 11वां स्थान बाधक होता है और उसका स्वामी जो है बाधकेश कहलाता है। अब 11वें स्थान से आप 11 स्थान आगे गिनिए तो आपको चर लगन वालों को मिलेगा 9वां स्थान, 9th हाउस मिलेगा आपको। तो देखिए ये जो बाधक है आपकी पत्रिका में, जो ये बाधकेश है आपकी पत्रिका में, अगर आपकी पत्रिका में जैसे चर लगन वाले हैं उनके पत्रिका में ये 9वें स्थान का स्वामी बहुत ज़्यादा बली है, सुंदर पोजीशन में बैठा हुआ है, अगर ये बैठा हुआ है आपके बाधकेश के साथ तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक दूर होंगी, आप उनको इतनी ज़्यादा फील नहीं करेंगे उनकी इंटेंसिटी। आपको 9वें घर के स्वामी का साथ चाहिए, जब आपका लगन चर होगा तब बाधकेश को अगर 9वें स्थान के स्वामी का जो है साथ मिल जाएगा तो उनकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, या बाधकेश की दशा में आपको 9वें स्थान के स्वामी की जो है पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, आपको 9वें स्थान की तरफ जाना पड़ेगा जो कि हायर विद्या, गुरु, टीचिंग, हायर लर्निंग्स की तरफ लेके जाता है, तब आप इस बाधक घर से निपट पाएंगे, ग्रह से निपट पाएंगे आप लोग। दोस्तों उसी तरीके से स्थिर लगन वालों के लिए जो बाधकेश होता है वो बनता है आपका 9वें स्थान का स्वामी, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने वृश्चिक लगन लिया था, तो अब 9वें स्थान से आप 9 स्थान जब आगे गिनेंगे तो आपको पंचम स्थान मिलेगा। तो जो पंचम स्थान का स्वामी है बृहस्पति, वृश्चिक लगन के लिए उदाहरण के तौर पे, वो आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर कर सकता है इस बाधकेश की, अगर उसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है या किसी तरीके से साथ में मिलके बैठा हुआ है, या क्या नाम लेते हैं आप पंचम स्थान के सारे काम कर रहे हैं, उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं पंचम स्थान के स्वामी की, तब आपको देखिए रिलीफ प्राप्त होगी, विद्या से, ज्ञान से, मंत्र से, सिद्धि से, पूजा से आपको लाभ प्राप्त होगा जो स्थिर लगन वाले हैं। अंतिम बात करते हैं द्विस्वभाव लगन वालों की, उनका बाधकेश होता है 7वें स्थान का स्वामी। अब 7वें स्थान का स्वामी जब बाधकेश होता है तो 7 स्थान जब आप आगे गिनेंगे तो पहला ही घर आएगा। तो दोस्तों पहला घर मतलब कि आप खुद, अगर आप खुद का प्लैनेट जो है बलवान होगा, शुभ स्थिति में बैठा होगा, तो आप इस बाधकेश से निपट पाएंगे, बहुत हद तक निपट पाएंगे। आप अपने ही लगन के हिसाब से नग पहनेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तब इस बाधकेश से आप निपट पाएंगे अच्छी तरीके से। और अगर आपके लगन का स्वामी भी जो द्विस्वभाव लगन में, क्योंकि 7वां स्थान बनता है बाधकेश और उसके सामने 7 स्थान जो है आगे आप गिनेंगे तो पहला ही स्थान आता है, अगर आपके लगन का स्वामी अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा हुआ है तो ये बाधकेश बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपने लगन के स्वामी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, विवेक बुद्धि ज्ञान से काम लेना होगा, कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। जिस भी स्थान में आपके लगन का स्वामी पड़ा हुआ हो उसके हिसाब से आपको एनर्जी प्राप्त करनी पड़ेगी अपने जीवन में, तब आप इस बाधकेश से निपट पाएंगे, अन्यथा कई प्रकार की परेशानियां ये आप लोगों के लिए खड़ी कर सकता है अपनी दशा में, अपनी अंतर दशा में, या जहां जहां बाधक घरों में। अंतिम में और बात आपको एक बात बता दूं कि इन बाधक स्थानों में भी अगर ग्रह बैठे रहते हैं कोई भी आपकी पत्रिका में, तो ये भी जान लीजिए वो भी अपनी अपनी दशाओं में इस तरीके की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, ब्लॉकेज दे सकते हैं कई प्रकार का। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं, अगर स्थिर लगन आप ले लीजिए, वृश्चिक लगन का ही उदाहरण ले मान लिया, और 4थे स्थान का स्वामी जो है 9वें स्थान में बैठ गया, जो बनते हैं शनि महाराज वृश्चिक लगन के लिए, तो आप मान लीजिए कि हो सकता है कि आपके आपकी मदर की कोई प्रोग्रेस रुक जाए, हो सकता है आपकी मदर की कोई तबीयत खराब हो जाए किसी प्रकार की, आपको घर से दूर जाना पड़े, किसी
जो अननोन चीज़ों की वजह से, या आप जो हैं अपने इमोशंस हैं, अपनी बात जो है वो सही तरीके से ना रख पाएं, कंफ्यूजन का स्टेट आपके अंदर रहे, मन में एक तरीके की ये बात मान के रखिए कि खुशी ना हो पूरी तरीके से, आप हंस ना पाए, श्योर ना हो पाए अपनी जिंदगी में, तो देखिए बाधक स्थानों में गए हुए प्लैनेट्स भी अपने घरों के हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपनी दशाओं और अंतर दशाओं में। इससे निपटना बहुत जरूरी है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कोई भी आपको समस्या हो, कोई आपको इससे प्रश्न पूछना हो, जो मैं अवश्य आप पूछिए, मैं इसमें जो है कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन पूछिए अपने जो भी हो आपके, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके उत्तर अवश्य दे पाऊँ। फिर मिलता हूँ दोस्तों, जय श्री कृष्ण।